नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आप सभी का सामर्थ्य एकेडमी के यूट्यूब लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारा यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है इंडिया चाइना इशू। इंडिया और चाइना के बीच में इशू काफ़ी साल से रहा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह इशू और भी ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको एक एनालिटिकल अप्रोच या विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रदान करते हैं। देखिए, इंडिया चाइना इशू का मुख्य कारण है गोल्डन माउंटेन। गोल्डन माउंटेन जो कि तिब्बत में स्थित है। हमको ये समझना पड़ेगा कि चाइना का ध्यान जो है अचानक से अरुणाचल प्रदेश से हट करके तिब्बत की तरफ क्यों चला गया। मेन मुद्दा है कि तिब्बत से लगा हुआ है लद्दाख। लद्दाख की पहाड़ियों में यूरेनियम और सोना का भंडार भरा हुआ है, तो यूरेनियम और सोना जिस देश के पास में आ जाए वह देश आर्थिक रूप से संपन्न तो हो ही जाता है, रक्षा के क्षेत्र में भी वह अपने आप को संपूर्ण महसूस करता है। अब बात यह है कि पुराने समय पे गोल्डन माउंटेन को एक मिथक के रूप में माना जाता था, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि गोल्डन माउंटेन तिब्बतियों का स्थानीय देवता का स्थान है, यानी तिब्बत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका स्थानीय देवता का निवास स्थान जो है वह गोल्डन माउंटेन है। ऐसा कौन मानता है? तिब्बती मानते हैं। अब वर्तमान परिदृश्य में जो चाइना की स्थिति बनी हुई है विगत 6 से 7 महीने में, कि वैश्विक पटल पर जो चाइना का आर्थिक पक्ष सामने आया है, जो सामाजिक पक्ष सामने आया है, और जो आप अभी समझ रहे हैं जिस प्रकार की कोरोना की बीमारियां पूरे विश्व में फैली हुई हैं, इसके वजह से चीन की जो आर्थिक स्थिति वो भी कमज़ोर तो हुई है, उसका चेहरा भी साफ हो चुका है। अब समझते हैं आगे गोल्डन माउंटेन के बारे में जो मिथक थी, वह मिथक के बारे में हम पुष्टि करते हैं कि यह कोई मिथक नहीं है, यह कोई परिकथा नहीं है, यह एक सत्य है। गोल्डन माउंटेन उपस्थित है। इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं भारत सरकार, दलाई लामा और चीन की सरकार। जिसे पहले एक मिथक माना जाता था उसे बाद में संपूर्ण मान लिया गया। वर्ष 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के एक साल उपरांत यानी 1950 में उन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने का मुख्य कारण था 14वें दलाई लामा। 14वें दलाई लामा को ढूंढने की प्रक्रिया चल रही थी और दलाई लामा वहां से पलायन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे, इसलिए उनकी तलाश में तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया था। वर्ष 1959 में दलाई लामा के साथ कई तिब्बती भारत आए थे शरणार्थी बनकर। भारत में जैसे ही दलाई लामा सहित कई तिब्बतियों को जब शरण दिया गया तो चीन को यह सही नहीं लगा। उस समय चीन में माओत्से तुंग का शासन था। आई रिपीट, माओत्से तुंग का शासन था, और 1962 में चुसुल में चीन का सबसे पहला हमला हुआ। ठीक है, 1959 में जब शरणार्थी यहाँ आए तो उसके उत्तर स्वरूप 1962 में चाइना ने भारत पर हमला किया, और वो स्थान था चुसुल। चुसुल में चीन का हमला हुआ, और रे जांगला दर्रा है, यहाँ पर भारतीय सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में 13 कुमाऊँ यानी कि 13 कुमाऊँ अहिर रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह शहीद हुए। इनके साथ जो अन्य सैनिक हैं उनको भी शहादत प्राप्त हुई। वर्ष 1964 में बलराज साहनी सहित धर्मेंद्र की एक फिल्म आई जिसका नाम था हकीकत। हकीकत का एक गाना काफ़ी फेमस हुआ, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा उस समय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते थे। अब वास्तविकता तो यह है कि दलाई लामा जब यहाँ आ चुके हैं तो दलाई लामा की वजह से चाइना को परेशानी क्यों हुई। 1962 में अरुणाचल प्रदेश और तांगयेशों वाग्लमान घाटी, आई रिपीट, तांगयेशों वाग्लमान घाटी पर चाइना ने कब्जा किया। अरुणाचल प्रदेश को बाद में छोड़ दिया गया और तांगयेशों पर कब्जा बरकरार रखा। चाइना का मेन उद्देश्य रहा है आर्थिक रूप से संपन्न होना, चाहे वो किसी भी स्तर तक चले जाएं। ये हम चाइना के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। गलवान घाटी के पास में, ठीक है, जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी के पास में गोबरा पोस्ट है। इसी गोबरा पोस्ट के पास में है गोल्डन माउंटेन। इसी गोल्डन माउंटेन में सोना, यूरेनियम,
ग्रेनाइट जैसे बहुमूल्य खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। किसी भी देश में यदि सोना, यूरेनियम और ग्रेनाइट पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तो वह देश आर्थिक रूप से संपन्न तो होता ही है, रक्षा के क्षेत्र में यदि हम समझें तो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को मजबूत महसूस करता है। यूरेनियम का मुख्य रूप से उद्देश्य परमाणु बिजली और बम बनाने के लिए किया जाता है। लद्दाख से लगी हुई जमीन में यह पूरा भंडारण उपस्थित है। वर्ष 2007 में जर्मनी के प्रयोगशाला में लद्दाख के चट्टानों की जांच की गई। इसमें यह पाया गया कि 5.36% यूरेनियम उस पत्थर में उपस्थित था जो जांच के लिए ले गया गया था। पत्थर, उस पत्थर में 5.36% यूरेनियम, मतलब समझिएगा बाकी अन्य खदानों से कहीं ज़्यादा यूरेनियम लद्दाख के जमीन पे उपस्थित है। ठीक है, नेहरू जी ने एक कोट दिया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो नेहरू जी ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने तो केवल एक बर्फ का रेगिस्तान ही तो छोड़ा है। तो जब वाजपेयी जी आए थे, वाजपेयी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सिक्किम के बदले तिब्बत को मान्यता हमको देनी चाहिए। देखिए, चाइना जो है एक डिप्लोमेसी गेम खेलता है। चाइना ने कहा कि हम सिक्किम देने के लिए तैयार हैं और हम तिब्बत आपको नहीं देंगे। समझिएगा, सिक्किम के पास में खनिज नहीं है, तिब्बत के पास में भरमार खनिज है। तो चाइना हमेशा यह चाहेगा कि उसे खनिज ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। वर्ष 1915 में न्यू जियांकी आंकी एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, इन्होंने लंदन में एक बुक लिखी और इसी बुक में तिब्बत का पूरा रहस्य उजागर किया गया। जैसे ही 2014 में सरकार बदली, सरकार ने इस पर ध्यान दिया और चीनी चाल को बहुत अच्छे से समझा और अगला कदम DSDBO रोड यानी कि दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण किया गया। यह रोड गलवान घाटी के पास में स्थित है। दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रा लद्दाख के प्रशासनिक मुख्यालय लेह से जुड़ गए, यानी लेह में सेना मुख्यालय स्थित कर दिया गया और यह सेना मुख्यालय 14वीं कोर बटालियन का सेना मुख्यालय बना दिया गया। भारतीय सेना ने जैसे ही स्टेप उठाया, आगे उन्होंने क्रमबद्ध रूप से बंकर, बैरक, किलेबंदी आदि का भी कार्य पूर्ण कर लिया। जैसे ही 370 हटा, आर्टिकल 370 जब हटा, तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा के सदन में कहा कि अब वह POK ही नहीं बल्कि तिब्बत भी लेकर रहेंगे। तब से चीन बौखलाया हुआ है और वर्तमान की स्थिति में चीन और भी ज़्यादा गुस्सा जाहिर कर रहा है। अब दुनिया वर्तमान स्थिति को देखते हुए समझ चुकी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना चीन से परे है और भारत के साथ सदैव समस्त विश्व की जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, सभी भारत के साथ खड़े हैं। मोनोपोली विचार वाले देश को बढ़ने से रोकना भी महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी देशों का मानना है। चीन जो कि गोल्डन माउंटेन चाहता है, इसी गोल्डन माउंटेन की चाह को देखते हुए चीन अपना राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साथ में सैन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वह इंडिया से लगे हुए सीमा पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसी स्थान पर भारत सेना की एक टुकड़ी SFF बटालियन यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बटालियन की टीम ने चाइना बॉर्डर पर चाइना के सैनिकों को रोक दिया है, जिसकी वजह से चाइना और भी ज़्यादा बौखला गया है। अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्षा ऋतु में भारत के अधिकाधिक राज्य नम रह सकते हैं, पर अब लद्दाख गर्म रहने वाला है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पे आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल के वीडियोस भी आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।